फाइनली बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे माइक अपग्रेड करो माइक अपग्रेड करो। स्टूडियो में कुछ नहीं बचा था अपग्रेड करने के लिए, मेरे को लगा 100 के होने वाले तो माइक अपग्रेड कर लेते हैं। और हाँ, अभी आवाज पुराने वाले माइक से आ रही है, जानबूझ के पुराने माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहले सोच रहा था स्टार्टिंग इसी से कर लेता हूं, फिर सोचा कि नहीं पहले थोड़ा सा एकदम सस्पेंस बना के रखेंगे, फिर रिव्यू बनाते बनाते ही बीच में चेंज कर लेंगे। और अब तुम फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड करके आगे मत चले जाना, आराम से देख लो वीडियो, रिटेंशन खराब करोगे बेफालतू में। तो जब 100 के होने ही वाले थे तो सोचा था खुद को एक गिफ्ट दे देता हूं, और मेरा गिफ्ट तुम्हारा गिफ्ट एक ही बात है, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, फिर तुम वीडियोस लंबे टाइम तक देखोगे, अच्छी आवाज आएगी मेरी एकदम नेचुरल वाली। तो इस माइक पे ज्यादा मैं आपको अपनी आवाज नहीं सुनाऊंगा, फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और इसको सेटअप करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसा बॉक्स मिलता है, यहां पे वायरलेस गो टू लिखा है, और ये फटा हुआ इसलिए है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरे पास आया, मुझे रिव्यू बनाना था, मैंने फटाफट से खोल दिया। सबसे पहले निकलता है एक बड़ा सा पाउच, इस पाउच में से निकलेगी TRS ऑक्स केबल, 3 टाइप सी केबल मिलेंगे इसके अंदर, क्योंकि आपने बॉक्स पे देख लिया होगा 2 ट्रांसमीटर एक रिसीवर बना है, और एक निकलती है आपकी यूजर मैनुअल। मैं यूजर मैनुअल की कितनी भी बेइज्जती कर लूं, इसकी ना दिल से बेइज्जती करने का मन कर रहा है, इसके अंदर भाई ढंग से कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ, सिर्फ यहाँ पे इमेजेस बना रखी हैं, इमेजेस से तुम समझ लो। और माइक के इतने फीचर्स हैं ना, इसके यूजर मैनुअल में उसका 1% भी नहीं दिया हुआ। मैंने खुद यूट्यूब के दूसरे रिव्यूज देख के सारा कुछ समझा, इसके अंदर सच में कुछ नहीं था। फिर एक हमारे सस्ते नशे वाली पुड़िया निकलती है इसके अंदर से, पता है मुझे मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के लिए होती है, ठीक है। और एक आपको कैरिंग पाउच मिल जाएगा माइक कैरी करने के लिए। फिर आती है हमारी मेन पैकिंग, इसके अंदर हमारा रिसीवर और 2 माइक है, और साथ में 3 विंडमफ आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, और इसके जो विंडमफ है वो ट्विस्ट स्टाइल वाले हैं, ट्विस्ट करने के बाद इसके ऊपर सेट हो जाते हैं, उसके बाद नहीं निकलते। पुराने वाला जो वायरलेस गो था उसके अंदर लोग बहुत शिकायत कर रहे थे कि ये विंडमफ ना निकल जाता है, उसके अंदर अटकता है, तो एक पॉजिटिव अपग्रेड है। इसके अंदर एक निकलता है रिसीवर और 2 निकलते हैं आपके ट्रांसमीटर, और ये ट्रांसमीटर को माइक ही कह लो क्योंकि ये हमारे कॉलर पे लगेंगे, और ये हमारा सोर्स है जहां पे मान लो हमें कैमरे पे लगाना है, स्मार्टफोन पे लगाना है, पीसी पे लगाना है, सब जगह चल जाता है। और इनके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन देने से पहले इनको सेटअप कर लेता हूं और आगे की वीडियो इनसे ही शूट करते हैं। सो गाइस, अब जो आवाज सुन रहे हो वो इसके माइक से रिकॉर्ड हो रही है, बोया BY-M1 उतार दिया हमने, एंड आई होप आपको आवाज पसंद आ रही होगी, क्योंकि आपको पसंद आनी बहुत जरूरी है, तभी आप वीडियो लंबे टाइम तक देखोगे। तो अब आने वाली सारी वीडियो में आप ऐसी आवाज सुनने वाले हो। तो अब बात कर लेते हैं इसके आउटर्स के बारे में। तो दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर के ऊपर आपको एक चिट मिल जाएगी, जिसको आप उतारोगे तो चमकते धमकते आपके डिवाइस निकलेंगे अंदर से। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर पर नजर मार लेते हैं, जो आपका माइक्रोफोन है, ऊपर बड़ा बड़ा रोड लिखा है, वायरलेस गो टू लिखा है, लेफ्ट साइड में वायरलेस गो टू लिखा है, पीछे भी रोड की ब्रांडिंग है। ऊपर आपका माइक्रोफोन का इनपुट है, विंडमफ का लॉक मिल जाएगा, और यहाँ पे माइक्रोफोन का पोर्ट भी है जहाँ पे आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा सकते हो 3.5 mm जैक वाला, और इधर आपको टाइप सी चार्जिंग के लिए और पीसी कनेक्शन के लिए मिल जाएगा। और नीचे आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, और इस बटन का फंक्शन भी आप चेंज कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर में जाके। और टॉप पे ऊपर 2 नोटिफिकेशन LEDs हैं, एक पेयरिंग की है और एक चार्जिंग की है। देन टॉकिंग अबाउट द रिसीवर, रिसीवर में भी आपको रोड की ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है चारों तरफ, एक आपको म्यूट का बटन मिलता है, और एक राइट साइड में नेविगेशन का बटन मिलता है, जिससे आप अपना पूरा इंटरफेस नेविगेट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में जैसे आपका 1 लिखा है, यानी कि फर्स्ट वाला माइक कनेक्टेड है, इसको आपको म्यूट करना हो तो नेविगेट करके म्यूट कर सकते हैं। और ऊपर आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बैटरी परसेंटेज मिल जाएगी आपके माइक की, और वाईफाई सिग्नेचर बना है, इसका मतलब आपका माइक कनेक्टेड है, तो ऊपर वॉइस लेवल आ रहा है जिससे आपको बाहर से पता लग जाएगा। बाकी इसके अंदर भी एक टाइप सी इनपुट है पीसी से कनेक्ट करने के लिए, या आपको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करना है तो, और एक TRS इनपुट मिल जाएगा, ये TRS इनपुट से अपने कैमरा से अपना रिसीवर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये तो क्या माइक और रिसीवर के आउटर्स की बातचीत, अब मैं आपको की हाइलाइट्स बता देता हूं। इसके अंदर 2.4 GHz का डिजिटल ट्रांसमिशन आपको मिलता है, जैसे कि वायरलेस माइक है तो अच्छी क्वालिटी के लिए एक अच्छी की स्पेसिफिकेशन है, वो तो आपको वैसे वॉइस क्वालिटी से ही पता चल गया होगा। डुअल ट्रांसमीटर, यानी कि 2 माइक्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, एक माइक जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूं, और एक और मेरे पास फ्री है, और एक हमारा रिसीवर जो मैंने अभी अपने पीसी से कनेक्ट किया हुआ है। मैं यूजुअली अपनी साउंड पीसी पे रिकॉर्ड करता हूं, उससे क्या होता है ना कि एडिटिंग करने में दिक्कत नहीं होती, अगर डायरेक्टली कैमरा से रिकॉर्ड करता है ना तो वो एडिटिंग रूम नहीं बचता हमारे पास जो ऑडियो को एडिट करने के लिए, वरना डिटैच करो एक्सपोर्ट करो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ऑडियो अलग से वो मैच करके मतलब बिल्कुल सही सीन रहता है। तो ये एक्स्ट्रा माइक अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, आपका कोई फ्रेंड है, आप दोनों एक साथ वीडियो रिकॉर्ड करते हो, कोई ब्लॉग बनाते हो कुछ है, तो उसमें आपका सेकेंडरी माइक्रोफोन काम आ सकता है, रिसीवर एक ही है, दोनों माइक्रोफोन उसी रिसीवर पे काम करेंगे। अब रोड ने मेंशन किया है कि 200 मीटर तक की इसकी रेंज है, मतलब 200 मीटर तक भी अगर जाओगे तो रिसीवर से डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो एक्सट्रीम टेस्ट के लिए हम अपनी गली में आ चुके हैं, 200 मीटर की गली लगभग होगी, 200 मीटर होगी पारस वैसे तो 200 मीटर होनी चाहिए। अभी तो बिल्कुल कैमरे के पास खड़ा हूँ, माइक मैंने लगा लिया, अब मैं थोड़ा थोड़ा दूर चलूंगा, उस पर रेंज टेस्ट हो जाएगा हमारा बढ़िया तरीके से। अच्छा मीटर हो रहा है, ठीक है ठीक है, मीटर रुक गया, तो मेजरमेंट अब स्टार्ट कर लेते हैं, और कुत्तों ने भौंकना कर दिया शुरू तो अब हम बिल्कुल 50 मीटर्स दूर आ चुके हैं, एंड देख लो आवाज़ कैसी आ रही है, गली में कुत्ता तो भौंक रहे बढ़िया तरीके से, और पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ, मेरा भाई बहुत दूर खड़ा है, उसे पता भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ दिस इज 100 मीटर टेस्ट, 100 मीटर दूर आ चुके हैं हम अपने कैमरा से, और वहाँ खड़ा हमारा भाई, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दिस इज 150 मीटर टेस्ट, और बीच में कुत्ते खड़े हैं, और पता नहीं वहाँ से कैमरे से मैं दिखाई दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, और पता नहीं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, मुझे नहीं पता।
ट्विटर पर पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पारस आ जा। Then talking about the weight, 32 grams इसका वेट है और मैं सिर्फ ट्रांसमीटर का वेट बता रहा हूँ जो आपका माइक्रोफोन है। रिसीवर का वेट बताने की जरूरत नहीं, वैसे वो भी सेम ही है, बट वो रिसीवर आपका कैमरा पे, पीसी पे, मोबाइल पे इधर उधर लग जाता है। बेसिकली माइक्रोफोन आपको यहाँ पे रखना है और 32 grams मेरे हिसाब से थोड़ा सा हैवी है, दिख रहा होगा यहाँ पे बड़ा सा क्लिप लगा। वैसे लेवलियर माइक भी लग जाता है तो वो लगा के आप उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपको भारी भरकम चीज नहीं चाहिए। इतनी भी भारी नहीं है, इतनी भी हल्की नहीं है, ठीक ठीक कहूंगा मैं। और इस माइक का सबसे तगड़ा फीचर है ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग आपको इसके अंदर मिलती है। जो माइक्रोफोन मैंने लगा रखा है ये अभी प्रेजेंटली रिकॉर्ड कर रहा है, ये एक्चुअल में पीसी पे तो रिकॉर्ड हो ही रहा है बट इसके अंदर भी अपनी एक रिकॉर्डिंग चल रही है, इसकी अपनी एक मेमोरी है। तो वो रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए कुछ नहीं करना, इसके सॉफ्टवेयर में जाना है और वहां पे रिकॉर्डिंग को ऑलवेज ऑन पे कर देना है। तो वायरलेसली तो आप रिकॉर्ड कर ही रहे हो अपने रिसीवर के साथ, बट अगर आपका कनेक्शन कट जाए या कुछ हो तो आपके पास एक बैकअप तो होना चाहिए ना। मान लो आपने वीडियो बना लिया, आप कोई शो कर रहे हो, आप किसी मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपकी वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि लाइफ में कोई रिकॉर्डिंग्स ऐसी होती है जिसको आप दोबारा नहीं कर सकते जाके। मेरी वीडियो मैं दोबारा बना लूंगा बट कुछ ऐसे इंटरव्यूज हैं, कुछ ऐसे शोज हैं, कुछ हैं वहां पे नहीं हो सकता है। तो एक बैकअप रिकॉर्डिंग आपके माइक के अंदर रहती है, वो आप पीसी से कनेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसको आप अटैच कर सकते हो अपनी वीडियो फाइल के साथ। तो अब बात आती है रिकॉर्डिंग की, कि आप कहां कहां इस माइक्रोफोन को यूज कर सकते हो। पहला, आप इसको कैमरा के साथ यूज कर सकते हो अपनी TRS केबल के साथ, आप इसको पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हो टाइप सी केबल के साथ और पीसी पे एज अ डिजिटल इंटरफेस ये डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और प्रेजेंटली मैं पीसी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडेसिटी के अंदर मेरी फाइल रिकॉर्ड हो रही है, बाद में मर्ज करूंगा। तो अगर स्मार्टफोन की बात करते हैं तो MFI सर्टिफाइड है, MFI सर्टिफिकेशन एप्पल के लिए होता है तो एप्पल पे भी सपोर्ट करता है, बट एप्पल की जो अपनी केबल होती है टाइप C2 लाइटनिंग वाली उससे नहीं चलाता, मैंने चेक करके देखा। आपको सेपरेट केबल खरीदनी पड़ेगी, रोड की एक अपनी केबल आती है उसके थ्रू ये रिकॉर्ड होगा। और एंड्रॉइड पे भी चल जाता है बट मैं एंड्रॉइड पे भी टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइप C2 टाइप सी केबल नहीं थी। तो इसके 3.5 mm जैक में आप लेवलियर माइक लगा सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो बोया BY-M1 हम इसके साथ अटैच करते हैं, एक बार नॉर्मली जो मैं रिकॉर्ड करता हूं वैसे करूंगा और एक बार रोड के माइक्रोफोन के साथ करूंगा, तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि हाँ नॉर्मल माइक भी एक महंगे माइक्रोफोन के इनपुट के बाद कितना चेंज ला सकता है। तो अब जो आवाज सुन रहे हो वो बोया के माइक से रिकॉर्ड हो रही है और बोया का माइक डायरेक्टली पीसी पे लगाया हुआ है या फिर किसी भी इंटरफेस पे, मान लो कैमरा पे, स्मार्टफोन पे, तो ये डायरेक्टली बोया BY-M1 की आवाज है। तो अब जो आवाज सुन रहे हो वो इसके साथ अटैच्ड बोया का माइक है, बोया BY-M1। और जो दोनों रिकॉर्डिंग्स आपने सुनी है ये नॉन एडिटेड है, मैं इसके अंदर कोई भी इफेक्ट कुछ नहीं लगाने वाला, जस्ट नॉर्मल जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं वैसे आपको सुनवा रहा हूं। और इंटरनल ऑडियो में भी ना दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, एक कंप्रेस्ड और एक अनकंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड के अंदर आप 42 आवर्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज ऑफ दिस माइक, और अनकंप्रेस्ड के साथ आप 7 आवर्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और जो इसका बैटरी बैकअप है वो 7 आवर्स का है, और 7 आवर्स तो आपका कैमरा भी आपका साथ नहीं देगा या आप कुछ भी काम करो, व्लॉगिंग तक भी कर रहे हो, 7 आवर्स इनफ होता है। तो अनकंप्रेस्ड यूज करना ही बेटर रहेगा, अच्छी वॉइस क्वालिटी आपको मिलेगी। इसके अंदर आपको दो मोड्स मिलते हैं, मोनो और स्टीरियो। अब उसके अंदर क्या है कि अपने आप दोनों माइक्रोफोन को लेफ्ट और राइट चैनल में भी रिकॉर्ड कर सकते हो और सिंगल चैनल में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एक सैंपल है वो आपको दिखाता हूं। अब मैंने दोनों माइक कनेक्ट कर लिए, तो ये वाला जो माइक है लेफ्ट चैनल रिकॉर्ड करेगा और ये वाला राइट चैनल रिकॉर्ड करेगा। अगर आपको देखना है स्टीरियो और मोनो में क्या डिफरेंस है तो ईयरफोन लगा लो इस पार्ट के लिए, तो आप देख सकते हो आपको आपकी लेफ्ट ईयरफोन में आवाज आ रही होगी और अब आपको अपनी राइट ईयरफोन में आवाज आ रही होगी। तो इससे आप इसके लेफ्ट और राइट चैनल को डिफाइन कर सकते हो, तो ये चीज आपकी इंटरव्यूज वगैरह में काम आती है। और आप इन दोनों को सिंगल चैनल में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको लेफ्ट राइट वाला सीन नहीं रखना, कोई ज्यादा आपको मतलब हाई क्वालिटी डिटेल्ड नहीं चाहिए चीजें, तो सिंगल चैनल में दोनों के साउंड चली जाएगी। एक बार उसका भी सैंपल दिखा देता हूं आपको। अभी भी मेरे दोनों माइक चल रहे हैं, अब आप ईयरफोन लगा लो, इसमें भी आपको दोनों ईयरफोन से आवाज आ रही होगी और इससे भी आपको दोनों ईयरफोन से आवाज आ रही होगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका मोनो और स्टीरियो मोड अगर आपको चेंज करना है तो इसके आप रिसीवर के नीचे के दोनों बटन प्रेस करोगे, उससे आपका मोड चेंज हो जाएगा। बाकी आप इसके सॉफ्टवेयर से भी चेंज कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर की बात चले तो सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं, सॉफ्टवेयर बाई की हाईलाइट है इसका, USP कहूंगा मैं इस माइक की। इसके अंदर आपको फर्मवेयर अपडेट्स मिलते हैं माइक्रोफोन के भी, रिसीवर के भी। रोड सेंट्रल करके इसकी ऐप है, वो आप मैक पे भी डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज पे भी कर सकते हो। और जब मैंने इसको पहली बार कनेक्ट किया था पीसी के साथ तो फर्मवेयर अपडेट्स आए थे कुछ रिसीवर के भी और माइक्रोफोन के भी, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह अपडेट हो गए होंगे, कुछ वॉइस क्वालिटी इंप्रूव हो गई होगी, तो एक तरीके से मतलब बैक एंड सपोर्ट है। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी क्रूशियल पार्ट, बैटरी। जब भी आप वायरलेस चीज लेते हो तो बैटरी बैकअप तो हर कोई देखता है कि कितना बैकअप देगा। तो ऑफिशियली कंपनी ने मेंशन किया 7 आवर्स का बैटरी बैकअप और मैं पर्सनली चेक कर चुका हूं। मैंने सुबह इसको चार्ज किया था, उसके बाद मैं इसको टेस्ट किया, मैंने इसको ऑन करके छोड़ दिया था, लगातार ये रिकॉर्डिंग चल रही थी इसके अंदर, तो 6.5 से 7 घंटे का बैकअप ये दे गया था। तो ऑफिशियली कंपनी ने 7 आवर्स बताया तो ठीक है, इतना ही बैकअप मिला मेरे को भी। तो देखो ये तो था इसका पूरा रिव्यू, अब बात कंक्लूजन की कर लेते हैं। अब इसमें कंक्लूजन क्या ही दूं यार, इतना महंगा प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली आवाज भी अच्छी है, रोड का नाम है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो और अगर आपको माइक्रोफोन अपग्रेड करना अपना तो रोड के लिए जाओ, शॉटगन के लिए भी जा सकते हो, इस वाले के लिए भी जा सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और शॉटगन मेरे लिए इसलिए चलता है क्योंकि मैं थोड़ा फुदक के कंटेंट बनाता हूं, इधर मुंह करना कभी एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाती है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, ये ओमनी डायरेक्शनल है। और कॉलर माइक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो अगर बजट है, महंगा माइक लेना है, लगता है वर्थ इट है, आवाज आपने सुन ली,
ले लो, बाकी आपकी चॉइस है। लाइक मार दो वीडियो को, आवाज कैसी लगी वो तो जरूर बताना कमेंट करके, और 97K सब्स हो रखे हैं इस टाइम पे, फटाफट से 100K करवाओ। सब्सक्राइब जिसने नहीं करा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे ऑल दबाओ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।